अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 79। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कन्वर्ट टू सॉलिड एंड कन्वर्ट टू सरफेस। ओके, सरफेस को आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट टू सॉलिड का क्या फंक्शन है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ये कमांड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, और इस कमांड में भी जो भी आप सरफेस या कोई भी एरिया जब आप बनाते हैं तो उसके लिए हम हमें लाइन की विड्थ मीन थिकनेस को बढ़ाना होता है। लाइन या पॉली लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी शेप हो तो उसकी थिकनेस वगैरह को बढ़ा के हम ये काम करते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो आज के इस लेसन में आपका 3D मॉडलिंग तकरीबन फेसेस और मॉडलिंग का ऑप्शन, मॉडलिंग इंशाल्लाह उसका टैब ख़त्म हो जाएगा और फिर हम कुछ नेक्स्ट काम करेंगे। सॉलिड एडिटिंग, सॉरी मॉडलिंग नहीं, सॉलिड एडिटिंग। मॉडलिंग तुम्हारा हो गया था मैश एंड सॉलिड एडिटिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ड्रॉ में जो कमांड इंपॉर्टेंट है, मेन जो 3D में यूज़ होने वाली कमांड है, या उसके अलावा मॉडिफाई में जो 3D में यूज़ होने वाली कमांड है, उसके बाद सेक्शन व्यू और सिलेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, उस पर काम कैसे होता है। फिर सॉलिड एडिटिंग के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद सरफेस पे, और सरफेस के बाद हम फिर कैमरा वगैरह किस तरह यूज़ किया जाता है, कैमरा किस तरह यूज़ किया जाता है, लाइट इफेक्ट क्या होते हैं, शेडो क्या होता है, सन के इफेक्ट कैसे होते हैं, आप रेंडर किस तरह करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, रेंडर कैसे किया जाता है, इस पर कैमरा किस तरह अप्लाई होगा, तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, मटेरियल के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त आपके ऑटो कैड में एक ज़बरदस्त चीज़ है, जिससे आप ऑटो कैड में अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी आपने जो चीज़ बनाई हुई होती है उससे आप अच्छी तरह से रेंडर कर सकते हो, उसमें मटेरियल अपनी मर्जी अप्लाई कर सकते हो, और कैमरा आपका जो ऑटो कैड में कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उससे आपने अगर कैमरा लगा के आप कंप्लीट देखना चाह रहे हो कि एक तो ऑब्जेक्ट आपकी छत, दीवारें वगैरह नज़र आती हैं, लेकिन आप चाहते हो कि ये अंदर से भी नज़र आए कि अंदर इसके क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह रखा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, तो वो चीज़ भी आपके सामने प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आप आज के लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज के लेसन में वापस है जी, एक है कन्वर्ट सॉलिड एंड कन्वर्ट टू सरफेस। तो कन्वर्ट सॉलिड का जो फंक्शन होता है उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन बनाता हूँ टॉप पे, यहाँ से मैं जाता हूँ और टॉप व्यू पे मैं हूँ अभी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ कि रेक्टेंगल पे काम होगा। तो कोई भी काम जो आप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सॉलिड एडिटिंग में जब मैं जाता हूँ जब, तो मैं यहाँ पे जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करता हूँ तो नीचे लिखा हुआ है प्रेस F1 टू हेल्प, तो आप F1 प्रेस करें तो आपको कंप्लीट इसके बारे में आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि इसका फंक्शन क्या और इसमें किस तरह काम होता है, आप देख सकते हैं, और इस गाइडलाइंस के लिए आपके पास इंटरनेट होना मस्ट है। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या काम करता है, कन्वर्ट 3D मैशेस एंड पॉली लाइन एंड सर्कल विद द थिकनेस टू द 3D सॉलिड। तो 3D सॉलिड के लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट की थिकनेस को बढ़ाना है। थिकनेस को बढ़ाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस, एक पॉली लाइन लेता हूँ, पॉली लाइन ली मैंने और F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट पॉली लाइन के लिए, यहाँ से C प्रेस करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, और ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गए आप देख सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि मुझे यहाँ से यहाँ तक और जेड स्पेस ए स्पेस, ओके ऑब्जेक्ट मेरे पास ड्रॉ हो गया, यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, तो उसके लिए यूसी एंटर एंड डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब इनकी थिकनेस बढ़ाने का तरीका जो क्या है, वो क्या तरीका है इसका, थिकनेस को बढ़ाने का जो तरीका है वो है कि आप इसको पहले यहाँ पे इसको मैं यहाँ से 3D में लेके जाता हूँ,
और टॉप से मैं इसे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको SWSmatic में लेके जाता हूँ। और अब इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ। थिकनेस बढ़ाने के लिए आप डबल क्लिक करें अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ही डबल क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करके, और डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या है, लाइन टाइप क्या है, और यहाँ पे आपको देखें हर चीज़ बता रहा है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, और ये सारे काम यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है, उस पर किस तरह काम करना है। स्पेल लाइन है, डिस्कवर है, लाइन टाइप है, रिवर्स है, अंडू है, तो आपको यहाँ पे देखें काफ़ी सारे इसने ऑप्शन दे दिए। अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल की लाइन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी इसने दे दिया ऑप्शन, यहाँ पे देखें काफ़ी सारे इसने ऑप्शन दे दिए। तो अब इन लाइन या इनकी प्रॉपर्टीज़ को लाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करूँगा। अब मैं राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल सामने आ गया है, और इस प्रॉपर्टी पैनल में लाइन वेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, लाइन टाइप है, लाइन वेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है थिकनेस। तो थिकनेस आप बढ़ाना चाह रहे हो तो थिकनेस 0.1, मैं 0.0 शो करता हूँ, 0.8 करके मैं देखता हूँ कितनी थिकनेस बढ़ेगी इसकी, एंटर करता हूँ। हाँ ओके, यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ गई है, और मैं इसकी थिकनेस को ज़्यादा करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 15 करता हूँ, 15 बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इसकी थिकनेस को ऐड करता हूँ, ओके 8 ठीक है। और अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें इसकी लाइन टाइप, उसका कलर और हर चीज़ यहाँ पे आ गई, और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे उसके बारे में बता रहे वैल्यू दें, तो वैल्यू मैं इसको भी देता हूँ 8, ओके तो यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ गई। अब इस थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है, तो इस थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने से पहले मैं इसको देता हूँ शेड, और मैं देखता हूँ कि इसकी शेड कैसे, आप देख सकते हैं ऐसा शेड हमारे पास यहाँ पे इसका आ गया। और अब इस ऑब्जेक्ट को मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ, 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, सॉलिड एडिटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करके मेरा सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करना है या राइट क्लिक करनी है, तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और अब इसी तरह मैं इसको भी यहाँ पे क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, देखें इसका भी ये भी हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। शिफ्ट को प्रेस करके मैं मूव करके देखता हूँ, देखें दोनों साइडों से हमारे पास सॉलिड बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। और अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है आपके पास जी सरफेस। आपने फॉर एग्जांपल कन्वर्ट टू सरफेस, आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो सरफेस है मेरे फॉर एग्जांपल मेरी एक लाइन है, और मैं एक फॉर एग्जांपल अब मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं एक पॉली लाइन ड्रॉ करता हूँ, PL एंटर करता हूँ, सी फॉर क्लोज। अब देखता हूँ इसको सरफेस में चेंज करेगा कि नहीं, तो मैंने को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सॉलिड ट्रिंग में जाके मैं इसको कन्वर्ट टू सरफेस पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं आप कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, सरफेस में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस में कन्वर्ट हो गया। ओके तो ये था जी हमारे पास सरफेस में आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया, और ये होता है जी सरफेस एंड अपने ऑब्जेक्ट को 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सरफेस के ऊपर अब हम सरफेस मॉडलिंग जब करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, तो आप देखें ये भी सरफेस है, देख सकते हैं। और अब इसमें मैं डबल क्लिक करके किसी प्रॉपर्टी में जाके देखता हूँ कि प्रॉपर्टी में बता रहे सरफेस है कि नहीं, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक नहीं बताता, लिस्ट LI लिस्ट करके देखता हूँ मैं, और लेयर में लिस्ट में देखता हूँ मैं, नहीं। अब लिस्ट में देखें, आप लिस्ट से भी आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि उसके बारे में कि उसमें क्या हुआ है और क्या क्या काम इस ऑब्जेक्ट में हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और LI एंटर करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखें इसके बारे में सारा बता रहा है, हाइट इसकी कितनी है, टेपर एंगल 0 है, और देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना है इसका, 3D सॉलिड में लेयर कितनी है, हैंडल हर चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। हाइट मैंने 8 दी थी, 8 ही हमारे पास देखें, थिकनेस जो इसकी बढ़ाई थी मैंने, तो
तो ये कंप्लीट आपको एल आई करेंगे तो लिस्ट से आपको कंप्लीट डिटेल देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये था जी थिकनेस के ऊपर डिस्कस किया हमने, और अपने ऑब्जेक्ट में कि थिकनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, आप थिकनेस को एक और तरीके से अपने बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। मैं इसको अपने सरफेस में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में जाके, तो आप यहाँ से रीजन कमांड अप्लाई करेंगे, तो आई थिंक रीजन कमांड भी हमारे पास, रीजन कमांड मैंने सेलेक्ट किया, स्पेस स्पेस करता हूँ, तो आई थिंक रीजन कमांड भी जो हमारे पास यूज़ की जाती है, तो रीजन कमांड से भी आपका ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट टू सरफेस, तो हमारे पास ये सरफेस में कन्वर्ट है, तो रीजन कमांड से भी आई थिंक के आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सरफेस में। ओके तो ये था जी हमारे पास सरफेस, और सरफेस का फंक्शन के सरफेस पे आप किस तरह काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।